भाजपा विधायक अमित सिंह चौहान द्वारा किया गया वादकारी कक्ष का लोकार्पण। पूर्व एमएलसी जगजीवन प्रसाद द्वारा दिए गए 15 लाख रुपए की धनराशि से बनकर तैयार हुआ था वादकारी पक्ष। बार एसोसिएशन बीकापुर की उपस्थिति में विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि योजना के अंतर्गत पूर्व एमएलसी जगजीवन प्रसाद द्वारा दिए गए 15 लाख रुपए की कीमत से बने तहसील प्रांगण बीकापुर में वादकारी भवन एवं महिला तथा पुरुष प्रसाधन निर्माण का लोकार्पण भाजपा के विधायक डॉक्टर अमित सिंह चौहान ने फीता काट कर किया। मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे भाजपा विधायक अमित सिंह चौहान का स्वागत फूल मालाओं से किया गया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ब्रजेश यादव ने लगभग एक दर्जन से ज्यादा अधिवक्ताओं द्वारा मुख्य अतिथि का स्वागत माला पहनाकर किया। पूर्व एमएलसी जगजीवन प्रसाद द्वारा वादकारी भवन निर्माण के लिए 15 लाख रुपए की सहयोग राशि दी गई थी, जो 5 साल की कड़ी मशक्कत करने के बाद ये भवन बनके तैयार हुआ था, जिसका लोकार्पण भाजपा के विधायक डॉक्टर अमित सिंह चौहान द्वारा किया गया। वैदिक मंत्रोच्चारण तथा पूरे विधि विधान के साथ लोकार्पण का कार्य संपन्न किया गया। वादकारी भवन निर्माण में अपना विशेष सहयोग देने वाले इंजीनियर स्टाफ के पदाधिकारियों ने विधायक का स्वागत करके माथे पर तिलक लगाकर किया। लोकार्पण के अवसर पर अपने संबोधन के दौरान विधायक अमित सिंह ने कहा कि मेरे पिताजी भी अधिवक्ता थे। उन्होंने अपने पिताजी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अधिवक्ता समाज का बहुत बड़ा हितैषी होता है और उन्हें न्याय दिलाने का काम करता है। बार और बेंच के बीच आपसी तालमेल बना रहे। योगी और मोदी की तर्ज पर बहुत सारे विकास के कार्य किए गए हैं। वादकारी कक्ष का निर्माण पूर्व एमएलसी आदरणीय श्री जगजीवन प्रसाद जी के द्वारा बीकापुर के अधिवक्ताओं के लिए वादकारी कक्ष दिया गया, जो 15 लाख रुपए की लागत से बन करके तैयार हुआ है और इसका लोकार्पण आज बीकापुर के सम्मानित विधायक आदरणीय श्री अमित सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया है। बीकापुर के इस भवन के निर्माण के लिए इंजीनियर ए के श्रीवास्तव जी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए इस बिल्डिंग को निर्माण किया है और सारी सुविधाएं जो भी आवश्यकताएँ थी उसकी पूर्ति किया है और तब ये हैंडओवर किया गया। इसलिए मैं सभी का बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जगजीवन प्रसाद जी का भी आभार प्रकट करता हूँ और अमित सिंह चौहान साहब ने अपना अमूल्य समय दे करके इसका लोकार्पण कराया है आज की तारीख में। व्यस्तता कारण भी मैं हमारे बार को डॉक्टर अमित सिंह चौहान जी ने वादा किया है कि मैं बहुत ही शीघ्र बीकापुर में फिर से एक वादकारी कक्ष का निर्माण कराऊंगा, जो एक बड़े हाल के रूप में होगा और अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए उपयुक्त रहेगा और उसको शिलान्यास नहीं बल्कि उद्घाटन करने के लिए कह करके गए हैं, सर्व समाज के बीच में कह कर गए हैं कि हम उसका उद्घाटन करने अब आएंगे और शीघ्रता से शीघ्र उसको संपन्न कराया जाएगा। इंजीनियर साहब को आज ही ये कह दिया है कि आप उसकी नाप जोख करके हमको बाकायदा एस्टिमेट बता दें, हम उसको जो है बहुत शीघ्र निर्माण करा देंगे। इसलिए मैं उनका भी बहुत ही फिर से आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 19, मथुरा।